बाप जिस तरह से लेट लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजम्फर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहाँ से, 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहाँ पे मुआयदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है, और हमें यहाँ पे जानों का खतरा है तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दौड़ाया है। तुम लोगों का नाटका बंद करके ये आवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरमन रहने का नजायज फायदा ना उठाया जाए, और ना ही हमें कोई कमजोर समझे। हम कमजोर नहीं है, हम पुरमन लोग हैं, आयन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। और अगर ये जो मवालियों वाला मुकाबला करना है ना, तो 22 करोड़ आवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा तादाद में, कोई नफरी नहीं है इतनी तुम लोगों के पास। और अगर होती तो जिस तरह से ये चूहे भाग के बाहर गए हैं, बुलाओ ना उन्हें बाहर, आके मैदान, असली मैदान तो इलेक्शन है, उसमें मुकाबला करो। मार लेना गोलियां जितनी मारनी हो। 17 जुलाई को हमने आपकी गोलियों का भी मुकाबला किया था, रियासती दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया था, फिर भी अवाम ने तुम लोगों को ठेंगा दिखाया, जूता मारा तुम लोगों के मुंह के ऊपर। अवाम के जूतों के डर से तुम्हारी लीडर, वो छोटी बड़ी सर्जरी, वो एक हॉल के अंदर माशाल्लाह जिस तरह से उसने जो बहादुरी का मुजाहरा किया हमें पता है। अभी निकलो तो सही कैंपेन में, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हो? निकलो कैंपेन के लिए, बाहर आओ ना, और सिक्योरिटी के बगैर कैंपेन नहीं भी है तो निकल के दिखाओ। नहीं निकल सकोगे। जो कुछ तुम लोगों ने अवाम के साथ और अवाम के हर दिल अजीज लीडर के साथ किया है, अवाम को याद है जरा जरा, हर एक से वो इंशाल्लाह हर एक का हिसाब चुकता करेगी। मौका तो आने दो। इमरान खान जैसा बहादुर लीडर ना पैदा हुआ है, ना सदियों बाद भी पैदा होगा। और जितनी आपकी औकात है ना, उतनी जुबान दराजी करें, और डरे उस वक्त से जब अवाम अपने तई फैसला करे। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे बच्चे ने, जिनके हाथों में डंडे होते हैं और रात को अपने लीडर की हिफाजत के लिए पिछले 2 हफ्तों से रात जाग के गुजारते हैं, तो पहले मैदान लगाना है तो आप वैसे ललकारो ना। आप ये क्यों कहते हो कि जी एक टांग में गोलियां लगी तो लंगड़ा है तो हम बाकियों को भी लंगड़ा करोगे? वैसे अनाउंसमेंट करो ना, मुकाबला कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है? आखिर में मैं पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इन बुजदिलों का, इन इलेक्शन से भागने वाले चूहों का, इन भिगोड़ों का, इन दलालों का जो आज IMF के साथ जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, हम मुकाबला करेंगे। और अवाम तैयार रहे अपने लीडर की किसी भी कॉल के लिए। और हमारे जितने कारकुनान हैं, हमारे जितने जो टिकट होल्डर्स हैं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द टिकट्स भी अनाउंस, फाइनल अनाउंस कर देंगे। अपने इलेक्शन की भी तैयारी रखें, और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त हालते जिहाद में है। क्यों है हालते जिहाद में? हमारे हाथ में पैसे हैं, हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल नहीं मिलता। हमारे हाथ में पैसे हैं, हमारे बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, उन्हें आटा नहीं मिलता। इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी खाना, उसको खाना तो दूर की बात, इज्जत से खरीदना मुश्किल हो गया है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतरीन पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जिन्होंने खुशहाल पाकिस्तान का को बदहाल पाकिस्तान में बदल के रख दिया, जिन्होंने पुरमन पाकिस्तान को किन दहशतगर्दों के हवाले कर दिया, हमारी समझ से बाहर है। बीबी चुप करें, बात करने दे मुझे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि पाकिस्तान पाकिस्तान की अवाम का है। ये 22 करोड़ मुल्क पाकिस्तानी अवाम इसके असली वारिस हैं। और ये जो असली वारिस है ना, इस वक्त उनमें शऊर भी है, बहादुरी भी है, और हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करने का हौसला और हिम्मत भी है। और हम हिम्मत और हौसला हारने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है कि आप जिद्दोजहद करें, आप कोशिश करते रहें। और मेरे लीडर का भी ये ईमान है
इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है, फतह शिकस्त भी अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। एक चीज में हम आपका मुकाबला नहीं कर सके, वो है करप्शन और ये जो गुंडागर्दी। लेकिन जब कसीर तादाद में हो, और शराफत भी एक हद तक ही रहती है, जिस जिस तरह से इस मुल्क को आप लोगों ने लैंड ऑफ नो लॉ बना दिया हुआ है, इस मुल्क में कोई आयन और कानून नाम की इस वक्त चीज नहीं है। पाकिस्तान में आयन अपनी असली शक्ल में क्या, उसकी शक्ल इन्होंने मस्क करके और बिल्कुल उसको मस्क शुदा हालत में भी एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा कि गवर्नर इंटरिम सेटअप की हुकूमत तो वो बना देता है माशाल्लाह से, आइडियल किस्म की कैबिनेट, आइडियल किस्म का सीएम, लेकिन वो इलेक्शन की डेट नहीं देता। कितनी देर फैसला करने वाले खामोश रहेंगे? आखिरकार ये कुफल टूटेगा, अवाम तोड़ेगी, हम तोड़ेंगे, और पाकिस्तान की अवाम तैयार रहे, हमने इनसे बदला लेना है। वो एक वो जो कभी बारिश आता है तो पानी आता है, जो जो एक अम्मा की शहादत भी आपको पता ही है कैसे हुई, उसका जिसने बदला ना लिया, जिन्होंने मोहतरमा के, कल मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी मोहतरमा के इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि मुशर्रफ कई गुना बेहतर है नवाज शरीफ से, क्योंकि ये जानवर है। इन्होंने मेरे पीए की आंख निकाल दी, इन्होंने मेरे गार्ड्स के घुटनों के अंदर सुराख कर दिए। उन जानवरों के साथ बाप बेटा माशाल्लाह से दांत डिटाई के साथ, जलालत के साथ बैठ के एक प्लेट के अंदर खाना खाते हैं। उसने एक फिकरा बोला था जो किसी आंटी अंकल ने लिख के दे दिया था, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मैं सारी पीडीएम की जमातों को ये बताना चाहती हूँ कि जब डेमोक्रेसी अब आएगी ना, तो बेस्ट रिवेंज वो होगा, और अब वो रिवेंज पहले लेगी अवाम आपसे, और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए, आइन को असली शक्ल में बहाल करने के लिए, इंशाल्लाह हम उस डेमोक्रेसी और उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और वो दिन होगा जिसको हम कहते हैं कि हकीकी आजादी का दिन, पाकिस्तान असली मायनों में जिस वजह से बनाया गया था, वो वजह हमें आज इस मुल्क में नजर नहीं आती। आज हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अलामा ने ख्वाब सिर्फ इसलिए देखा था कि उन्हें लगा था कि वहां पे पाकिस्तान जो मुस्लिम है वो एक माइनॉरिटी में होंगे, और शायद उनके बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे जो उनके मजहबी रसूमात हैं या बाकी राइट्स हैं। क्या आज मुझे और आपको, सहाफियों को, आम आदमी को ये राइट्स मुहैया है? नहीं। हम एक बात करते हैं, हम किसी को मुंशी कहते हैं, हमारा चलो जी एक फेडरल मिनिस्टर अंदर। हम किसी को चपड़ासी कहते हैं, चलो जी आप पे गद्दारी का मुकदमा। मैं लिबर्टी में हमारे बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, शैलिंग की जाती है, एक्सपायर्ड शैलिंग की जाती है हमारे ऊपर, बस हमारी तोड़ के तशद्दुद करके, मेरे मियाँ को तशद्दुद करके जेल में डाला जाता है। मैं बात करती हूँ 10 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर। हम नहीं डरेंगे, हम ये बात करते रहेंगे, क्योंकि ये बात मेरे मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी है, ये बात मेरे मुल्क में लॉन्ग लास्टिंग अमन के लिए जरूरी है, ये बात मेरे मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जरूरी है। और ये जंग राना मशहूद हमारी जाती नहीं है, हमने कोई पैसे वैसे नहीं चोरी किए, ना करने हैं, ना इरादा है, ना हमने जाके, ना कोई हम में से कोई, वैसे इतना बदशक्ला तो कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई में, जिसको जाके छोटी बड़ी सर्जरी करानी पड़े या सर के ऊपर टिंडे अपनी छुपाने के लिए ना जाके बाल लगवाने पड़े। तो आप अपने गंजों की हिफाजत करो, और वो गोंगलू मोंगलू जो है ना, जो हर वक्त सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, लोगों के ठुड्डे खा रहे हैं, लोगों की गालियां खा रहे हैं, उनकी बात करो। अगर इतना जोरे बाजू है तो तुम्हारे लीडर को रोजाना 1,24,00,000 गालियां पड़ती हैं, जाके उनकी हिफाजत करो, वहां पे जाके अपना ये मवालीपन और गुंडापन दिखाओ। देखे मैं आज मेरा वाकई, आज वाकई मैं गुस्से में बात की है, और सोच समझ के गुस्से में बात की है। देखें, इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगी हैं। पाकिस्तान की अगर आप सियासत को छोड़ दें, 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए, नमल यूनिवर्सिटी दी, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, बड़ी खिदमात है खान साहब की इस मुल्क के लिए, और उन्हें
टांग में गोलियां मारी, उनको इंसाफ नहीं मिला और आज बोल रहे थे, जुबान ये थी कि जी ये लंगड़ा है और हम और लोगों को भी लंगड़ा करेंगे। आप मुझे बताएं फिर हम किस जुबान में इनसे बात करें, आप मुझे समझाएं हम सबर कहां से लेके आए। यकीन माने इन्होंने इस मुल्क के अंदर लोगों का जीना तो वैसे ही मुश्किल किया। वाकई आपके मतलब चार दिन तो मेरे घर के बाहर पुलिस और डाले चार दिन खड़े रहे, मैंने इस पे बात नहीं की कि कहीं ये ना फील करें कि मैं डर गई हूँ। इस तरह की चीजों का हम मुकाबला करने के लिए हंस के तैयार है, खुशी से तैयार है। इन्होंने कहा हमने आपको जेलों में डालना, हमने अपनी फरिश्ते खुद बनाना शुरू कर दी कि जी ये लें डालें जेल में। कल मेरे भाई आमिर डोगर साहब को जिस तरह से पकड़ा गया वीवीआईपी तरीके से, नून के वो गुंडे जिन्होंने हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया, उसी थाने के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनके चीफ विप को जो एक दहशतगर्दों वाला सलूक है वो, और उसी थाने के अंदर एक पार्टी चल रही थी। इन चीजों के ऊपर हम सबर करने को तैयार हैं, लेकिन ये तो ऐसे ही है किसी की रूह को किसी के जज्बात को मजरूह करना। हम इनको इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देंगे, ये सियासत करें, सियासी बयान दें, ये बोलें कि हम आपको जेलों में बंद करेंगे, ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं, कर भी रहे हैं इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन आप इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ करोड़ों लोगों के दिल धड़कते हैं, करोड़ों लोग ये लफ्ज सुन के दुखी हुए होंगे। एक तो हमें इंसाफ नहीं मिला, ऊपर से आप हमें ये बता रहे हो कि हम और लोगों की भी टांगों में गोलियां मारेंगे, इस बात का मतलब क्या है, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अच्छा मैम ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की अब तबीयत कैसी है, कब तक खान साहब जो हैं वो लीड करेंगे तहरीक को, और ये भी फरमाएंगे क्या जो आपके जितने कारकुनान हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं उनका जोश और जज्बा कैसा है। अल्लाह का शुक्र है जोश और जज्बे में तो आपने देखा है कि कितने दो हफ्ते हो गए कोई कमी नहीं आई, और जहाँ तक रहेगी बात के उनकी लास्ट वीक जो एक्सरे हुआ था तो डॉक्टर ने मतलब आफ्टर 10 डेज या 2 वीक्स के बाद एक्सरे होते हैं, अभी मजीद 2 हफ्ते डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो खान साहब की बोन है जो फ्रैक्चर्ड है उसमें अगर हल्की सी भी कोई ठोकर आती है और अगर खुदा ना खास्ता रीफ्रैक्चर होता है तो फिर दोबारा से ना 3 से 4 माह लग सकते हैं। इस वजह से हम सारे भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि आगे कैंपेन भी है और आगे आने वाले टाइम में उनका बाहर निकलना ज़रूरी है, तो इसलिए जब तक प्रॉपर हील नहीं होती पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर के फैसले पे जाएंगे। इवन खान साहब अगर इंसिस्ट भी करेंगे तो हम उनको इजाज़त नहीं देंगे, ये पार्टी का मतलब का फैसला है। हरगिज नहीं, इससे एक तो बात साबित होगी कि माशाल्लाह सारे कौमी इदारे एक पेज पे इलेक्शन ना कराने में, और इसको आइडियल पेज कहते हैं। अब एक पेज से कहानी बहुत आगे निकल गई हुई है, कहते हैं ना मुख्तारिया गल बढ़ गई है, तो शुजा भाई गल बड़ी बढ़ चुकी है, लेकिन हमें ये आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैं कोई लफाजी वाली बात नहीं कर रही हूँ, हम अपने इस फैसले से मुतमिन भी हैं खुश भी हैं। खान साहब का एक फिक्रा जो तारीख में लिखा जाएगा कि कोई रह तो नहीं गया, तो कोई कसर रह तो नहीं गई कि ये इलेक्शन से, जमहूरी मुल्क है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आइन में इलेक्शन ना कराने की गुंजाइश किसी के पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास तो हरगिज नहीं है, गवर्नर के पास हरगिज नहीं है डेट ना देना, और सुम्मा हरगिज नहीं है। इन तमाम इदारों का काम है आइनी तौर पर फैसिलिटेट करना, तो जो जो ये एक्सक्यूजेस दे रहा है वो फिर आयन और कानून को जवाब दें, हम तो अपनी ये स्ट्रगल और जिद्दोजहद जारी रखे हुए और हम रखेंगे। साहिबा ये बताइएगा कि इस वक्त जो जेल भरो तहरीक है वो आप कब शुरू करेंगे और उसके लिए जो है आपकी क्या तैयारियाँ जो है शुरू होंगी। अली वो तो ऑटो सिस्टम पे है, ऑलरेडी चल ही रही है, कौन सा हमारा मतलब माशाल्लाह से रोटेट कर रहे हैं ये ना, एक लीडर उसके बाद दूसरा, अभी हमारे फवाद चौधरी साहब बाहर आए नहीं, शेख ऋषि साहब माशाल्लाह उनको देख के मैं बहुत खुश भी होती हूँ और हमारा जज्बा और बढ़ता है, और कल आमिर भाई का नंबर लग गया है तो वो हमारी फरिश्तों से ज़्यादा तेज़ी इनको है, पता नहीं उतावले हुए पड़े कि ये हमें रिश्ते दे क्यों नहीं रहे। हम अपने प्लानिंग और मंसूबे के तहत इंशाल्लाह हमारी एक स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। जैसे भी आपने कहा है कि हम तहरीक लेके निकलेंगे, जराव गिराव होगा मुल्क में, फिर रोड बंद होंगे, पहले मुल्क की मैशियत देखे बहुत नीचे आ गई है, मुल्क के हालात कैसे है, आवाम महंगाई की चक्की में पस रही है,
और इसके बाद अगर आप लोग तहरीक लेके निकलेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, रोड ब्लॉक होंगे, तो पब्लिक का क्या बनेगा? देखें, पाकिस्तान का क्या बनेगा? अच्छा सुन लेना। अच्छा एक तो ये है कि इकोनॉमी जो है ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे खान साहब के इलेक्शन की फरमाइश पे ये कहते इकोनॉमी बड़ी खराब है, या मुझे ये बताएं कि रोड्स ब्लॉक करने की तो हमने खैर बात की ही नहीं है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की ना, हमारी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। हमने जितनी भी अभी तक खान साहब को गोलियां लगने के बाद भी हमारी जितनी भी प्रोटेस्ट आई हैं, हमारी जितनी भी कॉल्स आई हैं, वो ऐन जमहूरी पुरमन और एक तरीकाकार के तहत, और अभी भी हमारा कोई इरादा ही नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालने के लिए हमारी हकीकी आज़ादी, और हकीकी आज़ादी ओनली वन लाइनर रूल ऑफ लॉ, ये स्ट्रगल हमारी है, तो इसमें हम क्यों कानून को हाथ में लेंगे? नहीं लेंगे। कह रहे हैं कि एपीसी में बड़ा जरूरी है बैठना तमाम जमातों का, और इमरान खान ये वो कह रहे हैं, खालिफिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान भाग रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, क्यों भाग रहे हैं आप लोग? मेरे मुझे बेटा मुझे जो खबर है, जो वजीर आजम है, आली शान शानदार वजीर आजम है, वो ना वो भाग के टर्की जाने लगे थे। टर्की वालों ने कहा चलो दफा हो जाओ अपने मुल्क में रहो, जो बर्बादी उधर करके आ रहे हो हमारे पास पहले ही काफी हो चुकी है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। उन्होंने उनको आने नहीं दिया। अब वो पूरी काबीना बैठी हुई है, 83 रुकनी काबीना, इस फैसले के ऊपर अभी तक उनका इत्तेफाक नहीं हुआ कि होने नु केड़े मुल्क च खज्जल खुआर करने लिए भेजना है। सो अभी ओ सॉरी 85, अच्छा माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि ये सेंचुरी करेंगे 85 से? मैं तो कहती हूँ सेंचुरी नहीं, जितने हराकीन है ना पीडीएम के, इंशाल्लाह सारे ही मिनिस्टर होंगे। वो तो मेरा ख्याल है कि ये फिर भी जल्दी से अपने साथ टाइटल लगाने की कैपेसिटी रखते हैं।